उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है बड़ी खबर। बीती रात भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय को खाली कराने पहुंचा प्रशासन, तो अन्य जनपदों से पहुंचे किसान और मच गया बड़ा बवाल। प्रशासन बैकफुट पर, पुलिस वापस। देखिए क्या कुछ हुआ घटनाक्रम। संघर्ष जारी है यहाँ से। पुलिस प्रशासन, आप दिखा दो कि जब यहाँ पर किसान इकट्ठा एकत्रित होना स्टार्ट हुए तो यहाँ से प्रशासन जा चुका है, लेकिन प्रशासन धोखाधड़ी करेगा। उन्हें लगता है कि जब हम लोग यहाँ से हटेंगे तो किसान यहाँ से चले न जाएं, लेकिन किसान जाने वाले नहीं है। यहाँ पर संख्या बढ़ने पर है और लगातार बढ़ेगी। जब तक यहाँ पर सॉल्यूशन अब नहीं निकल जाएगा तब तक हुआ है। हम तो अपने कार्यालय पर है, सरकार और प्रशासन अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है। जो कार्यालय यहाँ पर 35 साल से था उसमें आज रात में ऐसी क्या दिक्कत आई है? प्रशासन हमेशा रात के अंधेरे में ही ऐसा कारनामा क्यों दिखाता है? हमेशा रात में ही क्यों वार करता है? आपको याद होगा 28 जनवरी 2021 की रात, और आज भी 28 तारीख के दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, 28 दिसंबर 2022। हसीब अहमद को अकेला समझकर उन्होंने वार करने की कोशिश करी है, तो ये वार भारतीय किसान यूनियन के सिपाहियों पर हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही उन्होंने कूच कर दी है। हमारा जिला पास है, हम यहाँ पर सबसे पहले पहुँच चुके हैं, और अकेला ना समझें हसीब अहमद जी को, भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही यहाँ पर अपना खून का बलिदान देगा तब ये कार्यालय यहाँ पर खाली हो सकता है। उससे पहले यहाँ पर कार्यालय खाली नहीं हो सकता। प्रशासन को चेतावनी है कि हमारे ऊपर पहले गोली चलाए, हमें एक एक को मार दे, जब हमारी लाशें गिर जाए तब इस कार्यालय को वो अपने कब्जे में ले सकता है। उससे पहले ये कार्यालय कब्जे में नहीं लिया जाएगा। तो 35 साल से जो यहाँ पर अधिकारी रहे, पहले उन पर मुकदमा लिखा जाए कि अवैध कब्जा उन्होंने हमसे करवाया कैसे, अगर ये अवैध कब्जा है तो। क्या 35 साल से अवैध कब्जा सरकार ने करवा रखा था हमसे? ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब शासन प्रशासन इससे पहले भी सरकारें रही हैं, ये सरकार भी पहले रही है, पिछले 5 साल भी ये सरकार थी, तब क्या सोई हुई थी? लेकिन इन्होंने आज हट धर्मिता है, मनमर्जी है, चुनाव अभी जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं आपको भी पता है, उसी का कहीं ना कहीं ये गुस्सा और उसी की ताकत ये हमें दिखाना चाहते हैं। तो आप किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति क्या, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन युवा और मेन बॉडी के सभी जिला अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर पहुँच रही है। अच्छा, राकेश जी का कोई मैसेज? राकेश सिकैत जी का एक ही मैसेज है कि ये कार्यालय हमें खाली नहीं करना है। टिकैत साहब ने कहा था कि आप यहाँ से नहीं उठेंगे चाहे आपको खून की बलिदान देना पड़े। उन्होंने कह दिया है कि एक एक कतरा खून का जब बह जाए और जब कोई नहीं बचेगा तब प्रशासन कब्जा कर ले तो ठीक है, उससे पहले हमें अपना कार्यालय उनके कब्जे में नहीं देना है। तो ये जो मतलब भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश कार्यालय, कैंप कार्यालय क्या? नहीं, जिले का कैंप कार्यालय है, ये प्रदेश का कैंप कार्यालय है। आपका नाम? पद? शुभम राठी, मैं क्षेत्रीय प्रभारी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन युवा का।